गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो चपली कबाब किस किस के फेवरेट हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले इसके लिए मैंने प्याज को कर लिया है चॉप। किसमें? चॉपर। ठीक है, प्याज को मैंने कर लिया है चॉप। और यहाँ पर सिंपली हमने रखा हुआ है कीमा। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ले लिया यहाँ पर, इसमें हमें यहाँ पे सारी स्पाइसेस जिनकी हमें नीड थी वो हमने ना यहाँ पर ले ली है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास है गार्लिक, लहसुन, देन ये रहा प्याज चॉप हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद ये रही हमारे पास ग्रीन चिली, हरी मिर्च, एंड देन जिंजर यानी अदरक। इन्हें सिर्फ हमने अभी कट किया है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हमारे यहाँ पर ये जो है कीमा हमने जो लिया हुआ था उसे हम इस तरह चॉपर में ऐड करेंगे। सो अभी हम चॉपर में डालते हैं हमारा कीमा। और साथ ही साथ हमने इसमें डाल लिया हमारे सारे के सारे जो हमने ली थी वेजिटेबल्स थी, गार्लिक और लहसुन था और हरी मिर्च। तो एक साइड जो है ना हम इसे टू पोर्शंस में कर दिया था, एक पोर्शन हमारा चॉप हो चुका है। अब हम अपने दूसरे वाले पोर्शन को डालेंगे। अब सेकंड वाले को भी चॉप करके फिर आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमने सारे का सारा जो कीमा था उसे कर लिया है चॉप, और ये बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं टमाटो कटुआ हुआ, इसे ऊपर डालना था, इसे चॉपर में तो नहीं डालना। और ये देखें कितने अच्छे से ये चॉप हो चुके हैं। हमने इसके ऊपर डाल दिया है खुश्क धनिया, और ये इतना प्यारा लग रहा है ना। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा डाल दिए थोड़ा तो नहीं। इसके अंदर हमने डाला है सॉल्ट। उसके बाद आ गया ये हमारे पास है, ये हमारे पास कुटी हुई दादर मिर्च, इसके अंदर हमने ये डाला कुटी हुई दादर मिर्च। उसके बाद हमारे पास आ गई हल्दी, ये हमने डाली इसके अंदर हल्दी, इसे मेकअप कर रहे भी कीमे को हम। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा, ये देखिए इसके अंदर डाला हमने जीरा। तो अब हमने डाल दिया इसके अंदर जीरा, देन उसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च बहुत धूप ज्यादा सर्दियों में धूप में बैठती है इसलिए वो काली होती थी मिर्च। एंड देन हमारे पास आ चुका है ये, देन हम डालेंगे इसके अंदर ये चपली कबाब वाला मसाला। ये डाला हमने चपली कबाब वाला मसाला। देन हम ऐड कर रहे हैं इसमें बेसन। ये बेसन ऐड किया इसके अंदर, सिर्फ लास्ट में हम डाल देंगे अंडा, ठीक है, एग, एक अंडा हम इसके अंदर डाल लेंगे। सो वो डाल के ना फिर आपसे मिलते हैं, बाय। 2 से 2 आवर्स के लिए मैक्सिमम, हमने 2 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 आवर्स के लिए इसे ना फ्रीज़र में फ्रीज कर देना। तो अभी से फ्रीज करके फिर ही आपसे मिलते हैं, बाय। फाइनली हमारी चपलियाँ जो है बन गई, हमने छोटी छोटी शेप्स की बनाई हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें
बहुत यमी यमी लग रही हैं। अभी ये खा के देखेंगे हम, ठीक है। और इसको खाएंगे हम टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज और चटनी के साथ। तो आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस।